बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब पीने से ही लोगों की मौत हो गई थी। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मृतक परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। इसी क्रम में जाप सुप्रीमो बिहार शरीफ प्रखंड की छोटी पहाड़ी के मृतक मुन्ना मिस्त्री के बेटे सुनील कुमार और मृतक भागु मिस्त्री की बहू रेणु देवी की आर्थिक मदद पार्टी की ओर से की है। इसके अलावा मृतक जयपाल शर्मा की पत्नी खुशबू देवी को उनकी दो बेटियों की शादी के लिए 25,000 की आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया। वहीं सिंगारहट मोहल्ला सोहराय निवासी मृतक अशोक शर्मा की पत्नी मानो देवी के अकाउंट में 10,000 की आर्थिक मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा मृतक धर्मेंद्र प्रसाद की पत्नी प्रमिला देवी को बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद देने का वादा किया। वहीं मृतक सुनील तांती की मां को 10,000, मृतक सिंटू मिस्त्री, मृतक राजेश कुमार और मृतक शंकर मिस्त्री की पत्नी को 10,000 की आर्थिक मदद भी की। डर खौफ शासन का, कुशासन का, कोई आंसू तक सूख गया। 11 मौतें, जान सस्ती, शराब महंगी, जान सस्ती, कोई सबसे ज्यादा शराब बिहार में यदि कहीं है तो ये नालंदा हरनौत। हम कई बार कह चुके हैं कि शराब की डिलीवरी सबसे ज्यादा यहाँ माफिया, शराब माफिया यहाँ पर और जमीन माफिया यहाँ पर आतंक मचा के रखे हैं, और गिट्टी माफिया सबसे ज्यादा शराब माफिया। और सरकार के संरक्षण में पूरा प्रोटेक्शन पुलिस प्रशासन, कितनी जान के बाद शराब बंद होगी या ये हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे परिवार को 10,000 रुपया अकाउंट में डालेंगे और ये लड़ाई कोई नेता, कोई सिस्टम, कोई पदाधिकारी लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व हैं, सबके पैसे इन्वॉल्व हैं और सब शराब से पैसे कमाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की रुक गई, चार्जशीट रुक गया, आम आदमी की सुरक्षा रुक गई, सब शराब शराब। एशिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स यदि कहीं आज धंधा हो रहा है, सेवन हो रहा है, तो वो बिहार है सबसे ज्यादा। पता नहीं हम किस लड़ाई की बात कर रहे हैं, कौन सा हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम पर बोझ ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत कानून बनाते हैं और फिर आप आते हैं किसी का बेल तोड़वाने के लिए। हम आगे, और बीजेपी तो जंग लड़ रही है नीतीश कुमार से। बीजेपी के अध्यक्ष कहेंगे आइए नालंदा देखिए, यहाँ की मौत देखिए और दीजिए लाकर यहाँ आकर के 1,00,000 रुपया। जब एडवर्टाइजमेंट पर पैसे की कमी नहीं है तो इस परिवार को दे। ये लड़ाई हम अंतिम तक पहुंचाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे 11 मौत के, क्या गरीबों की, दलितों का जान जानवर से भी सस्ता हो गया? और फिर इसको दबा देना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज कर देंगे, वोमिटिंग शराब की हुई, आम आदमी को कोई मतलब नहीं, एवरीवन शराबी ड्रग्सी, मौत इनके। और हम कहते हैं कानून का राज है, सुशासन है। नालंदा में इसके पहले प्रोफेसर को मारा गया, कुशवाहा को मारा गया, इसके पहले कई बलात्कार केस हुए, कई बार जहरीली केस हुई और फिर इस बार 11 जान। क्या ये 11 जानों के बाद माफिया खत्म होंगे? क्या भ्रष्टाचारियों की पैसे, उसकी संपत्ति जब्त होगी? क्या शराब माफिया जेल जाएंगे? क्या उन पर एफआईआर होगा कि पीने वालों को डराया जाएगा? 6,32,000 लगभग लोग जेल में हैं, परिवार से बिछड़े हुए हैं, थाना को पैसा दे दिए हैं, वकील को पैसा दे दिए और बर्बाद हो गए। 6,32,000 पूरे बिहार में जेल में, और शराब घर घर मिल रहा हो,
और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गंभीर चिंता व्यक्त किया हो, फिर हम पुनर्विचार क्यों नहीं करते? जब किसान का कानून पुनर्विचार हो सकता है तो फिर शराब का कानून क्यों नहीं? हमें पुनर्विचार करना चाहिए, तरीका ढूंढना चाहिए और आम आदमी की जिंदगी को जहर से मारना नहीं चाहिए।